सरहदी इलाके में जिस तरह से चीन ने पिछले कुछ समय में माहौल खराब कर रखा है, उसको देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो आसानी से मानने वाला नहीं है। चीन का ये रवैया नया तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो भारत के दिए हुए पिछले खाब को पूरी तरह से भूल गया है। उसे सिर्फ 1962 की लड़ाई ही याद है, जब भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन दो मौके ऐसे भी आए थे जब चीन की सेना पीठ दिखाकर भागी थी। दरअसल 1962 में अक्साई चीन को हड़पने के बाद उसने 1967 में भारत, चीन और भूटान के बीच आने वाली चोला इलाके को भी हड़पने की नाकाम कोशिश की थी। उस वक्त चीन के सैनिक इस पूरे इलाके में घुस गए थे। इस इलाके को डोकलम प्लेटू भी कहते हैं। तब भारत ने समय रहते चीन को करारा जवाब दिया था। उस वक्त जहां हमारे करीब 50 जवान शहीद हुए थे, वहीं चीन के 300 से भी ज्यादा जवान मारे गए थे। भारत ने न सिर्फ चीन के सैनिकों को दूर तक खदेड़ दिया था, बल्कि उनकी हिम्मत इतनी टूट गई थी कि उन्होंने दोबारा इस ओर पलट कर नहीं देखा था। ऐसे ही एक बार 1986 में चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश के संगदुमचू में घुस आई थी। तब भी भारत ने चीन के सैनिकों को काफी पीछे तक खदेड़ दिया था। भारत से मिली इस करारी हार को छिपाने के लिए चीन ने तिब्बत में सेना की कमान संभाल रहे अपने मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर और मिलिट्री रीजन की चीफ को भी पद से हटा दिया था। उस वक्त भारतीय सेना की कमान जनरल सुंदर जी के हाथों में थी। इस मिशन को ऑपरेशन फॉलकॉन का नाम दिया गया था। जानकार मानते हैं कि डोकलम इलाके में आखिरी बार गोली सन 1967 में चली थी, उसके बाद यहाँ कभी भी गोली नहीं चली। दूसरी ओर साल 1967 से लेकर अब तक चीन भूटान की करीब 700 किलोमीटर लंबी जमीन पर कब्जा कर चुका है और अब चीन की नजर चुंबी घाटी और यहाँ के इलाके पर है। अब चीन यहाँ चुंबी घाटी, जो इस इलाके की सबसे निचली चोटी है, इस पर कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ मौजूद दूसरी चोटियाँ इससे कहीं ज्यादा ऊंची हैं और इन पर भारत का कब्जा है। यदि यहाँ चीन की फौज आ भी जाती है तो यहाँ पर ज्यादा समय तक रुक पाना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सेना यहाँ की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए हुए है और किसी भी विपरीत परिस्थिति में चीन को काफी नुकसान पहुँचा सकती है। टीम इंडिलिंग्स।